नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे और आपके चैनल टेक ज्ञान पे। क्या बोला तूने? जो वीडियो बनने वाला है ये MK240 नैनो लॉजिटेक का कीबोर्ड और माउस का जो कॉम्बो है उसके बारे में है। वेल, इसको मैं लास्ट 4 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं प्रॉमिस किया था मेरे शॉर्ट्स पे कि मैं ये वीडियो बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। इस कॉम्बो में आपको मिलता है एक कीबोर्ड, एक माउस, एक डोंगल, ब्लूटूथ डोंगल और 4 AAA बैटरी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा एक्सप्लोर करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि पैकेट के ऊपर क्या है। तो अगर आप देख सकते रहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 36 मंथ कीबोर्ड, 12 मंथ माउस। तो इसका मतलब है 36 मंथ जो बैटरी है इसमें वो 36 मंथ जाएगा जो कीबोर्ड पे यूज़ होगा, और माउस पे जो यूज़ होगा वो 12 मंथ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लास्टिंग है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लॉजिटेक के जितने भी अभी बैटरी आते हैं वो बहुत ज़्यादा लास्ट करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 36 मंथ मतलब ये हो जाता है आपका 2.5 ईयर्स, और ये 1 साल जाएगा। और तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 36 मंथ और 12 मंथ माउस के लिए। ओके, तो इसके अलावा अगर हम पैकेट पे देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसके अंदर हमारा कीबोर्ड है, एक माउस है और AAA बैटरी दो हैं, जो 4 बैटरी में बोला था, कुछ गाइडेंस है और एक डोंगल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे मैं अपना लास्ट लॉजिटेक कीबोर्ड पे भी मैं आपको दिखाया था, वही सारा इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। ये कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, जो और मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर है June 2023 का, और ये मतलब ये मंथ में परचेस किया हूँ, मतलब ये लास्ट मंथ ही ये मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, और यहाँ पे आपका कीबोर्ड के बारे में स्पेसिफिकेशन है, कीबोर्ड में क्या क्या है, माउस में क्या फंक्शंस है, सिंपल रिलायबल वायरलेस, स्पेस सेविंग, कलरफुल टेक्स्ट होती है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ठीक है, और पैकेट में और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉजिटेक का एक ब्रांड है, ब्रांडिंग है, और यहाँ पर उसका पिक्चर है। चलिए ठीक है, अनबॉक्स करते हैं। तो वेल, इसे फॉर्मल अनबॉक्सिंग है क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, क्या आता है, माउस, और ये 4 AAA बैटरी और एक डोंगल। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अभी हमारा मेन हथियार निकलने वाला है, कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो अगर जापानीज आता है तो। और यहाँ पे जो ही गाइडेंस वगैरह है। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। और इसके अलावा हमारे पास है कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है इस टाइप का प्लास्टिक रैप में आता है। वेल, हमारे पास है इतने सारे सामान। अच्छा ठीक है, जो निकल चुका है। चलिए पैकेट को रखते हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सारा सामान रख चुका हूँ, और अगर पॉसिबल है तो मैं इमेज भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ये सील्ड पैकेट में आता है। ये मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, इसलिए ऐसे दिख रहा है, मतलब ओपनड, और ये एक डोंगल है। ठीक है, तो लॉजिटेक कीबोर्ड में अगर चलते हैं तो ये मेरा ब्लैक एंड लाइम कलर का वेरिएंट है। आप और एक वेरिएंट आता है वाइट और रेड का, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ओपन करके आप अपना बैटरी यहाँ पर डाल सकते हो। कंपनी क्लेम करता है कि कीबोर्ड पे 36 मंथ ये लास्ट करेगा ये बैटरी। तो देखा जाए कितना दिन जाता है, अभी तो मैं यूज़ करना स्टार्ट किया हूँ। और सेम माउस में भी वही ब्लैक एंड लाइम कलर का वेरिएंट है। मैं इसे बैटरी डाल देता हूँ। Two thousand years later. ठीक है, तो ये अपना माउस और कीबोर्ड रेडी हो गया, और ये डोंगल हम यूज़ करेंगे अपने कंप्यूटर में। सो
इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो इसको भी हम साइड कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है और मेनली इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये प्राइस पॉइंट पे इस क्वालिटी का कीबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा लॉजिटेक की तरफ से। स्पेशली लास्ट टाइम जो मैं रिव्यू किया था वो बहुत ही गंदा क्वालिटी का लॉजिटेक का कीबोर्ड था, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है वेरिएंट MK240 Nano, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका बटन प्रॉपर कीबोर्ड है और इसका की सब बहुत अच्छा क्वालिटी का भी है और इसका जो स्पेसिंग है कीबोर्ड की के हर एक की के साइड में जो स्पेसिंग है वो नॉर्मल है एज ए लैपटॉप है। आप अगर 14 इंच लैपटॉप या 13 इंच लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप इसे स्पेस शिफ्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका जो साइज है ये समथिंग 13 इंच लैपटॉप का कीबोर्ड का साइज की तरह है, तो इसका स्पेसिंग आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप कोई बड़ा साइज के कीबोर्ड से या समथिंग डेस्कटॉप के कीबोर्ड से या समथिंग 15 इंच लैपटॉप 14 इंच लैपटॉप से अगर इधर आ रहे हो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा आपको देख के टाइप करना पड़ सकता है, जो कि मैं 14 इंच से शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन मैं अभी इसे नॉर्मली टाइप कर सकता हूँ। पहले फर्स्ट 2 डेज थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। ठीक है, तो अभी कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है हल्का सा और यहाँ पे लॉजिटेक का ब्रांडिंग है और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं सारे फंक्शंस की और इसके की डिलीट इंसर्ट की नॉर्मल कीज हमें मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर डेडिकेटेड नंबर हमें नहीं मिलता है क्योंकि छोटा सा कॉम्पैक्ट वाला है ये कीबोर्ड, तो यहाँ पर डेडिकेटेड नंबर हमें नहीं मिलता, हमें यहीं से यूज़ करना पड़ेगा नंबर्स। ठीक है, तो बाकी जितने भी फंक्शंस की जितने भी रिक्वायर्ड की है वो सारे इसमें है। पिन करके देख लेते हैं, सॉरी पीछे से दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर, इन्फॉर्मेशन वगैरह कीबोर्ड के बारे में वो सारा लिखा हुआ है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। वेल, यहाँ पे भी हाइट एडजस्ट के लिए दिया गया है तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए हाइट एडजस्ट तो आप इसे ओपन करके टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम इसे क्लोज कर देते हैं, अभी इसका रिक्वायर नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कीबोर्ड के यहाँ पे 3 सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे ये घिसेगा नहीं और ये जहाँ पे आप रखेंगे ये वहीं पर रहेगा। ठीक है, चिपकेगा तो नहीं लेकिन वहीं पे ये रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखा, आप देख सकते हो कीबोर्ड नहीं हिल रहा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये जो 3 है ये जनरली इसको मतलब स्लाइड करने नहीं देते हैं कीबोर्ड को, जब आप प्रेस वगैरह करते हो ये हल्का फुल्का स्लाइड होते हैं लेकिन ये जनरली वहीं पर अटैच टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी अगर मैं बोलूँ ये डोंगल के बारे में, ये एक ही डोंगल आपका रहेगा दोनों माउस और कीबोर्ड के लिए। वेल, ये डोंगल में एक छोटा सा ब्रांडिंग है लॉजिबल के, लॉजिटेक का ब्रांडिंग और ये आप जहाँ पे यूज़ करोगे लैपटॉप या टैब या कहीं पे भी, तो ये यूज़ करने से आप दोनों एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कीबोर्ड और माउस एट ए टाइम ये कनेक्टेड हो जाता है और कीबोर्ड पे यहाँ पे कोई भी अभी स्विच नहीं है, मतलब आप वंस बैटरी डाल दिए ये अभी ऑन कंडीशन में है, वंस ये डोंगल कहीं कनेक्ट हो जाएगा तो ये वहाँ पे काम करना चालू कर देगा और यहाँ पे कोई भी स्विच ऑफ और स्विच ऑन का बटन नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिटेक का लास्ट कीबोर्ड भी जो मैं रिव्यू किया था उसमें भी वैसे ही था। अब आते हैं माउस पे, तो माउस पे ये जो आप देख सकते हो ब्लैक और लाइम कलर का है, तो लॉजिटेक का ब्रांडिंग ऊपर है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, आप बैटरी डालते हो इसे ऑन और ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये इसका जो कंपनी क्लेम करता है ये 12 मंथ मतलब 12 मंथ का लास्टिंग है ये बैटरी का, तो ठीक है इसको मैं टेस्ट करूँगा, अगर मुझे कोई दिक्कत आता है फ्यूचर में तो मैं पिन कमेंट में डाल दूँगा। तो नेक्स्ट, यहाँ पे हम ऑलरेडी बैटरी डाल चुके हैं और यहाँ पे ये 4 सपोर्ट है और विल मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा माउस और कीबोर्ड और उसके लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप इसे बाय कर सकते हो। लेकिन और एक चीज़ ये क्या है कि ये जो माउस है ये बहुत ही हल्का है, जब आप इसके अंदर बैटरी डाल देते हो इसका वेट बढ़ जाता है, तो तभी ये माउस जब यूटिलाइज़ करते हो ना ये ज़बरदस्त काम करता है, मतलब ये जनरली बहुत स्मूथ है और इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़बरदस्त है और मुझे सब कुछ बढ़िया लगा इसके बारे में। इवन मेरा जो लास्ट माउस मैं आपको दिखाया था उससे भी बहुत बढ़िया लगा ये। तो हमें मिल जाता है ये लेफ्ट राइट क्लिक जो कि थोड़ा सा साउंड करता है, क्योंकि नॉर्मल जितना साउंड होना चाहिए उतना है, ऐसे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं,
और इसका स्क्रोल भी बहुत स्मूथ है, इसमें कुछ हॉट नहीं है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। बहुत स्क्रोल भी बहुत नॉर्मल सा है, और अगर आप माउस पैड यूज़ करते हो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। जनरली मैं माउस पैड में ही मैं इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके अगर ये गेमिंग के लिए है कि नहीं। तो ये कीबोर्ड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए बहुत सारे वायर्ड वाले मिलते हैं जो कि आप वो रेफ़र कर सकते हो, और वो उसके क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट होता है। ये आपका डेली यूज़ के लिए है, ऑफिस वर्क, आप एक स्टूडेंट हो तो इस टाइम में ये आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और ये एक नॉर्मल यूसेज के लिए बना है, तो ये आप उसके लिए रिकमेंड कर सकते हो। अगर मैं इसको बोलूँ बैटरी लाइफ, वेल अभी तक तो मुझे इसका बैटरी लाइफ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं चला, लेकिन कंपनी क्लेम करता है कि कीबोर्ड 36 मंथ और माउस 12 मंथ जाएगा ये बैटरी में। सो लेट्स से कि ये होता है कि नहीं, अगर कुछ भी एरर आता है तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि ये इजी टू होल्ड है कि नहीं, वेल डेफिनेटली ये इजी टू होल्ड है। आप अगर को कहीं जा रहे हो आप बैग में डायरेक्ट डाल सकते हो, ये दोनों बहुत छोटे हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है, और आप कहीं पे भी बैग में डाल के ले सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर बोलूँ तो इजी टू होल्ड यस ये है। ठीक है, अगर और मैं आऊँ कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी है। ये मैं परचेस किया था 1444 रुपीज़ में, जो स्टिल अवेलेबल है अमेजोन पे और डिफरेंट फ्लिपकार्ट में, डिफरेंट पोर्टल में, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से मैं परचेस किया था, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये वाटर रेजिस्टेंस भी है, कंपनी क्लेम करता है ये वाटर रेजिस्टेंस है, तो आप इसे अगर आप जानबूझ के पानी में मत डालो, अगर पानी में गिर जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वायरलेस डिवाइस है, और आपका और ये आता है वाइट और ब्लैक वेरिएंट में। ये ब्लैक वेरिएंट है और आप वाइट वेरिएंट के लिए भी जा सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मैं ओवरऑल इसका रेटिंग दूं तो मैं अराउंड इसे 4.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये अमेज़ॉन पे 1444 रुपीज़ में अवेलेबल है, और दोनों ब्लैक एंड वाइट वेरिएंट है, तो यहां से मैं परचेज़ किया था। आप भी इसके लिए जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। बात करते हैं अगर इसका सपोर्ट के लिए, मतलब ये किस में सपोर्ट करता है। वेल मैं इसे विंडोज़ 11 में ट्राई किया हूँ, विंडोज़ 10 में ट्राई किया हूँ, और कंपनी क्लेम करता है विंडोज़ 8, 7, विस्टा, एक्सपी और आपका क्रोम ओएस में भी ये काम करेगा। और ये जनरली यूएसबी पोर्ट है, तो मतलब आप यूएसबी पोर्ट में यूज़ कर सकते हो। इसमें 3 साल का वारंटी है, तो कोई भी दिक्कत आएगा तो आप 3 साल में इसके साथ लॉजिटेक के साथ बात कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास ये लैपटॉप है, तो जनरली यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट है आप वहीं पे ये डोंगल डायरेक्टली प्लग कर दीजिएगा, दैट्स इट। और आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ये माउस को सिर्फ ऑन कर लेना है, और बैटरी आपका ऑलरेडी दोनों में डल चुका है, तो सिंपली आपको यूज़ करना है। आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसे प्लग करोगे ये ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। फिर भी आपके पास और भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कीबोर्ड एंड माउस, जस्ट कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आपको कुछ भी और क्वेरीज है इसको बाय करने के लिए या समथिंग, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और कुछ अदर कीबोर्ड का भी सजेशन दूंगा, आप उसे भी रिकमेंड कर सकते हो। और मेरा जो लास्ट लॉजिटेक का वीडियो था उसको आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।